गुरु तो मामा को पता भी नहीं होगा, पता भी नहीं है टेक्निकल गुरु है कौन। बिल्कुल गलत गलत। मुझे मीठा बहुत पसंद है लेकिन मैं वेट की वजह से इस तरीके करते ना मुझे मौत। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मिले जी मेरी दोनों बेटियों से, मैं हूँ मलाइका, मैं हूँ रुशा। हाँ जी, इनको इनसे तो आप डेली ही ऑलमोस्ट मिलते रहते हैं क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट हर वीडियो में या व्लॉग में रुशा होती है। अच्छा, मलाइका जो है ये कॉलेज में पढ़ती है, FSC प्री मेडिकल में है, फर्स्ट ईयर में है। अच्छा, ये वाकई ही मेरी बेटी है। आप लोग कितने ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही आप अभी तक आप अपनी बड़ी बेटी को क्यों नहीं लेके आई, कुछ इन पे स्टडीज का बहुत ज्यादा आपको पता है स्ट्रेस था। अभी ये है कि इनके कल ही कॉलेज जो है वो बंद हुए हैं, तो अब ये है किसने कहा कि मैं आपके साथ कभी कभी ब्लॉग में आ जाऊंगी, बहुत ज्यादा नहीं तो कभी कभी मैं आपके साथ जरूर आऊंगी। अच्छा, मैं 16 इयर्स की थी जब मेरी शादी हुई थी, तो 17 साल की जब मैं थी तो मलाइका अल्लाह ताला ने मुझे इस रहमत से नवाज दिया था। तो अब आप उम्र का अंदाजा लगा लें कि अब मलाइका 17 साल की है तो मेरी कितनी एज होगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच्चे टाइम से शादी होगी तो बच्चे भी टाइम टू टाइम बड़े होंगे। अच्छा जी, मलाइका की एक फ्रेंड है कश्यप, वो बहुत ज्यादा कह रही थी कि तुम कब मामा के ब्लॉग में आओगी, कब मामा के ब्लॉग में आओगी। मैंने कहा ले जी आज आ गई है, ठीक है, अब इंशाल्लाह तो आती रहेगी। अच्छा, आज मैंने सोचा कि आज मैं मलाइका के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ, तो कोई ना हम एक छोटा सा चैलेंज भी साथ कर लें। तो बताएं जी आज कौन सा चैलेंज है, कौन बताएगा? अच्छा, आज हमने चैनल रखा है हु नोज मी बेटर, वो मामा हमसे क्वेश्चन पूछेंगे और हम उनका आंसर देंगे। चलेगा कि मामा को कौन जानता है ज्यादा। अच्छा, मुझे लगता है मैं जीत जाऊंगी, मुझे लगता है मैं भी जीत जाऊंगी। अच्छा, आज मैं इनसे वो क्वेश्चन पूछूंगी। वैसे हम तीनों जो है ना, हम बिल्कुल माँ बेटी वाला हमारा कोई सीन ना दिखने में लगता है और ना ही वाकई होता है। बिल्कुल देखे, जिस तरह जॉली सी हूँ मैं वैसे ही नजर आती हूँ। मैं बच्चों को बिल्कुल नहीं डांटती, पूछ ले आप इनसे, डांटती हूँ? नहीं, कभी भी इनको पता ही नहीं है। हम ऐसे जैसे फ्रेंड्स हैं, बहने भी हम बिल्कुल ऐसे जैसे फ्रेंड्स हैं। अच्छा जी, इस तरह करते हैं, हम आपको चैलेंज समझा दें कि व्हाइट बोर्ड जो है, मैं जो भी इनसे क्वेश्चन पूछूंगी इन दोनों ने बोलना नहीं है, ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर इसका आंसर देंगी कि कौन मामा को जो है वो कितना जानता है। मेरा ख्याल क्वेश्चन पूछेंगे, हम उनका आंसर देंगे, ये लिख के बताएंगी, ठीक है। अच्छा, मैंने ना क्वेश्चन ऑलरेडी अपने ना मोबाइल के ऊपर लिख लिए थे, तो और ये बहुत प्यारा सा लोगो भी है बोर्ड पे जी, क्या है? इग्नोर कीजिएगा, ये हमसे उतर नहीं रहा था, पहले हम उतारने की बहुत कोशिश की फिर उतर के और उसका ये मतलब है कि अभी हमने बाय की 100 रुपए। अम्मा एक और बात बताए, विनर को क्या मिलेगा? हाँ यार, माँ का प्यार मिलेगा और तुम लोग को क्या चाहिए? ओके अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है कि मेरी सबसे बड़ी जो खुशी है वो क्या थी, अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी खुशी क्या दी थी? मेरे पास 2-3 ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं एक लिखनी है भाई, एक ही लिखनी है। एक मिनट, 3-2-1 गो। हमजा आपने क्या लिखा? मैं हमजा वाज बॉर्न 13 अक्टूबर। बिल्कुल, ये इतनी बड़ी मेरे लिए खुशी थी। बेटियों की अपनी जगह है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमजा की दफा मैं काफी उम्मीद भी हार चुकी थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला की जात ने मुझे नवाजा था। बिल्कुल 100% राइट, सबसे मेरी बड़ी जो खुशी थी वो हमजा थी। मैंने आपसे बहुत अच्छा पहले पूछा था पिछले लॉकडाउन में। अच्छा जी, सर मुझे याद था। तो हम दोनों का एक एक पॉइंट जी, दोनों का एक एक पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2, मेरा फेवरेट ड्रिंक क्या है? टी और जूस। तो बहुत ऑब्वियस है, ये तो कोई भी दुनिया का बंदा बता दे। ये तो सबको पता है, ये तो मैं घर में भी आम कहती रहती हूँ कि मुझे ना चाय की ना ड्रिप लगवा दे, मुझे इतनी चाय सच में पसंद है। अच्छा जी, मेरा सेलिब्रिटी क्रश कौन सा है आजकल, मेल या फीमेल? मेल, मेल। सेलिब्रिटी क्रश आपका? एक मिनट, लगता है मेरा ठीक है आंसर, मुझे भी लगता है शायद मेरा भी। इमरान अशरफ। इमरान अशरफ की जब से मैंने एक भोले में उनकी एक्टिंग देखी थी। अच्छा, मैं इसको इमरान अब्बास समझ रही थी। इमरान अब्बास तो दूसरे। अच्छा, जब मैंने लास्ट टाइम ना एक ड्रामे में उनकी मुश्क में, एक अभी ये रक्से बिस्मिल में, और साथ में ये जो है उनका एक ड्रामा आया था यार, कौन सा था, भोले वाला, उसमें जब से रांझा रांझा कर दी की मैंने उनकी एक्टिंग देखी थी ना, सच में ना मैं उनकी फैन हो गई थी। उसके बाद मैं कहती हूँ कि उनको ना ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया जाए, सच में मैं तो ये कहूंगी, वो मुझे इतने फेवरेट है। अच्छा जी, मेरे 3 हो गए, रुशा का 2, यस तुम्हारा 0 है, इमरान आवाज। ओके, अच्छा मुझे क्या पसंद है सबसे ज्यादा, मीठा या नमकीन? ओ मामा, और बहुत इजी क्वेश्चन लिखे आपने, दिखाए। 3-2-1 नमकीन। बिल्कुल गलत,
मुझे मीठा बहुत पसंद है लेकिन मैं वेट की वजह से नहीं खाती। जब मेरा बस चले ना तो मैं कहती हूँ बस मैं मीठा खाऊं। भाई ये बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ मैं वेट की वजह से खाती हूँ। भाई मैं वेट कॉन्शियस नहीं हूँ, नहीं मैं खाती बहुत शौक से हूँ, लेकिन मैं अब जो है वो अपने वेट की वजह से नहीं खाती। मैंने पूछा कि मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मुझे मीठा बहुत पसंद है, जीरो मतलब मेरे भी टू और आपके भी थ्री। मुझे पता था इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा था कि तुम लोगों को ऐसे ही लगेगा। अच्छा जी, अच्छा अगर मेरे पास एकदम से बहुत ज्यादा पैसा आ जाए तो मैं उसका क्या करूंगी? तो गरीबों में तो बांटे ही ना, उससे अगला स्टेप। हाँ, उससे अगला। थ्री टू वन, कार बाय करेंगी, कार एंड हाउस। एक देखना था, कार एंड हाउस टोटली डिफरेंट है। कार बाय करेंगी, नहीं फिर क्या? मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड को हज पे भेजूंगी। मैं कहती हूँ मेरे पास जिस दिन इतने इस काबिल में होंगी, मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड को हज पे भेजूंगी, क्योंकि मेरी बहुत ख्वाहिश है कि वो हज या उमरे पे जाए। ये गलत है भाई, कार तो ये तो दुनियावी, ये तो आता रहेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये अल्लाह का दिया हुआ है, लेकिन मैं सबसे पहले उन्हें हज पे भेजूंगी। आपको नहीं पता मैं हर घर में कहती रहती हूँ जीरो जीरो। अच्छा जी, मेरी फेवरेट इंडियन मूवी कौन सी है? बहुत आसान है, जब कल भी नेटफ्लिक्स पे देख रही थी। हाँ मुझे नहीं पता, लगता है ये है। तेरे एक मिनट, फेवरेट मेरी फेवरेट जो है वो ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट ये जो इंडियन मूवी है वो कौन सी? मुझे लगता है ये है, क्योंकि मम्मा इसकी बहुत हमारे सामने तारीफें करती हैं। थ्री टू वन, कभी खुशी कभी गम। जब वी मेट यार, मैंने लिख के देवदास की बात करती है। नहीं, वो एक बहुत अच्छी है। देखे शाहरुख की जो एक्टिंग है उसको तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जब वी मेट मैं अभी सैजल वाली नहीं, करीना वाली, मैं वहां से शुरू करूंगी। मुझे इतनी वो मूवी पसंद है, बहुत रॉन्ग। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुश्किल सवाल पर आ गई है। मुझे तो लगा था मुझे भी कभी खुशी कभी गम मामा ने कब देखी है। अच्छा, मेरी लाइफ का ना सबसे जो प्राउड मोमेंट था वो कौन सा था? मोस्ट प्राउड मोमेंट ऑफ माय लाइफ किससे रिलेटेड था? कोई हिंट? यार मुझे पता नहीं है, मतलब मुझे भी नहीं पता, मतलब क्या हो सकता है? मैंने प्राउडेस्ट कहा है, मैंने हैप्पीएस्ट नहीं कहा, मैंने प्राउडेस्ट कहा। तो आपको मेरे में प्राउड फील होगा। किसी में भी हो सकता है, चले दिखाए। मेरा गलत तो है, लेकिन मेरे पास एक यही गेस करने का, मेरे पास भी एक यही है। अवार्ड सेरेमनी पर जाना, हमारे स्कूल में जो होती थी, मेरे जब 10th में मार्क्स आए थे। यस राइट, जब लाइका के माशाल्लाह बोर्ड में 98%, यस जब लाइका के बोर्ड में 98% मार्क्स आए थे, तो वो वाकई मेरे लिए ना प्राउडेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का। मैं वो लिखने लगी थी जब आप की अवार्ड सेरेमनी हुई थी बोर्ड के मार्क्स की, मुझे मम्मा उसमें 5 मिनट लेट थी, और जब मुझे अवार्ड मिल गया मैं बैठ गई थी ना, तब मामा आई थी। अच्छा, मैं अपने जो घर वाले, हम 5 लोग हैं, हम 5 फैमिली मेंबर्स हैं, मैं सबसे ज्यादा किसके करीब हूँ? आपने सारे फीलिंग्स से रिलेटेड लिखे। चलो 3 2 1, मेरे पापा नहीं, लाइका के भी हूँ, लेकिन जब से माशाल्लाह लाइका ने होश संभाला है, मेरी हर बात, हर मशवरा जो है ना वो मैं लाइका से लेती हूँ। लाइका ड्रेस कैसा बनवाऊ, अच्छा शादी आ रही है ड्रेस कैसा बनवाऊ, अच्छा मेकअप कहाँ से, अच्छा लाइका स्टाइल कहाँ से, ये कहाँ से, वो कहाँ से। ये राइट हैंड जो है ना वो लाइका है मेरा। हस्बैंड के भी जाहिर है सबकी बहुत अंडरस्टैंडिंग है मेरी, सबके साथ, उषा के साथ भी है, लेकिन एक फ्रैंकनेस जो है ना वो फ्रेंड्स वाली, वो बहुत ज्यादा मेरी नाम लाइका के साथ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? ऑब्वियस है मामा, ये तो आपके रिश्तेदारों को भी पता होगा, ये तो सारी दुनिया को ही पता होगा। यस, ब्लैक। ब्लैक राइट, दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा फेवरेट जो है ना वो सीजन कौन सा है, समर या विंटर?
विंटर भी मतलब आप ठीक होती है, समर में विंटर में ठीक होती है, नहीं तो विंटर में मैं बीमार हो जाए करूँ तो आपको अच्छा लगता है क्या? अब तो ये तो कहिए थ्री रीजन भी बतानी है मुझे साथ। हाँ जी बताइए। टू वन समर कैसे गेस किया? क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि तुक्का था। मुझे लगता है तुक्का ही था। अच्छा मैं आपको बता देती हूँ कि समर मुझे इसलिए मेरा फेवरेट है कि इसमें ना फ्रूट्स की बहुत ज्यादा वैरायटी होती है। इस तरह जामुन हो गए, बुखारा प्लम है, ये जितने भी फ्रूट्स हैं हर फ्रूट जो है ना मेरा फेवरेट, आड़ू खुबानी ये सारे जो है, मैंगो स्पेशली वो समर में होते हैं। मुझे जो समर है ना वो स्पेशली फ्रूट्स के पीछे ना और एक लॉन के पीछे, लॉन मतलब ये जो कपड़ों वाली लॉन है ना उसके प्रिंट बड़े जबरदस्त आते हैं। मुझे शुरू से ना समर इसलिए प्यारा, बहुत मजे का लगता है, गर्मी में बर्दाश्त कर लेती हूँ। मेरे माइंड में ना समर्स को लेकर कपड़े ही आए थे। कपड़े ना मामा कपड़े ज्यादा है मामा के पास समर्स के। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएं आप दोनों। अच्छा जी मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं? क्लोजेस्ट वाले को जीतना। हाँ जी जो क्लोजेस्ट होगा उसको नंबर मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है चलो थ्री टू वन कितने? 2400 2700 मैं रुषा मेरा ख्याल है इतना इंस्टा यूज ही ना करती इसलिए रुषा को पता नहीं है। मलाइका का अकाउंट है, मलाइका का अकाउंट है इसलिए मलाइका को जी पता है। मैंने भी रिसेंटली देखा ना तब 2200 थे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई एम अर्ली टू बेड और नाइट आउट? राइट। मुझे सोना इतना बुरा लगता है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं कहती हूँ यार शुक्र अल्लाह का, वैसे अल्लाह ने रात बनाई है आराम करने के लिए। अच्छा ये इन दोनों को पता है कि भाई मामा जो है ना वो सोती बहुत कम है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर जलजला आ जाए या आग लगे तो मैं एकदम से क्या करूंगी? थ्री टू वन आप चीखेंगी वो आपने होश खो देंगी और वो ज्यादा चीखेंगी। सबको लेकर घर से बाहर चली जाएंगी। दोनों का वैसे ठीक है लेकिन अरुषा जो है वो ज्यादा मेरे क्लोज है क्योंकि मैं बिल्कुल बच्चों को उठाऊंगी और बाहर लेकर चली जाऊंगी। तो दोनों का आग में ना पानी डालूंगी ना कुछ और करूंगी, बच्चों को उठाऊंगी और दुआ पढ़ते पढ़ते ना घर से बाहर चली जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी मेरा फेवरेट जो यूट्यूबर जो मेल है वो कौन सा है? माई नो डेट मैंने तो लिख भी लिया, मुझे पता 100% अपना आंसर यकीन है आपके आंसर पे। रुषा टाइम जा रहा है 5 बहुत ऑब्वियस है 4 3 2 1 चल ठीक है 3 2 1 ज़ेड टेक्निकल गुरु तो मामा को पता भी नहीं होगा। पता भी नहीं है टेक्निकल गुरु है कौन। तुम डंगी भाई लिख लेती, मैं कहती चलो से आधा नंबर ही दे दे कि इसने डंगी भाई लिख लिया डंगर। ये देखिए मम्मा ज़ेड ज़ेड अली ऑब्वियस है यार, ऑब्वियस है यार। मैं किस किस किड्स देखती हूँ, मैं सिर्फ ज़ेड अली को देखती हूँ। शायद मामा को पता भी नहीं है कि ये टेक्निकल। मैंने आज तक बहुत ज्यादा जो है वो फॉलो इंडियन चैनल है लेकिन मैंने आज तक उनके बारे में सुना बहुत है लेकिन कभी मुझे इस तरह जरूरत नहीं पड़ी कि मैं उनकी कोई वीडियो देखूं। तो मेरा जो मेल फेवरेट यूट्यूबर है वो है ज़ेड अली टेक्निकल। तुमने क्या सोचा था? तुम ब्रेड रिवेरा ही लिख देती। टेक्निकल असगर वो जो आप इसकी वीडियो देख रही थी सुबह। अच्छा अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा फेवरेट जो है ये इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है फीमेल, मेरी फेवरेट फीमेल यूट्यूबर कौन सी है? ऑब्वियस है यह तो डेली रूटीन है बहुत मेरी इंस्पिरेशन है। थ्री टू वन रेमेडीज विद खानम, जो मेरी सिस्टर है खानम जी वो मेरी सबसे बेस्ट इंस्पिरेशन कह ले मेरी मोटिवेशनल कह ले, डांट पड़ती है जिनसे टका के डेली की वो है जी फाकरा खानम। उन्होंने कैमरा एंगल सिखाया, मेकअप सिखाया, एक एक बात इतनी डांट पड़ती है, डैश वाली होती है अभी भी डैश वाली होती है। उनसे मेरी सबसे फेवरेट जो है वो यूट्यूबर है, बहुत उन्होंने मेहनत की है कि हम मैं तो जाहिर हालांकि क्लैपिंग
सबसे मुझे उनकी बात अच्छी ये लगती है कि वो मेहनती बहुत ज्यादा है। हाथ में तो उनके जो मेकअप की अल्लाह ताला ने वो एक खूबी कह लें आप, या जो उनको इस नेमत से नवाजा है वो तो छोड़ ही दे, मैं मोर्चे संभाल लूं दोनों अपने संभाल। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मैं मोहब्बत पर यकीन करती हूँ? और सब करती हैं। 3, 2, 1 कौन नहीं करता? यस हाँ, मोहब्बत पर मैं यकीन करती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मैं कहती हूँ कि एक माँ बाप है जो अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं वो लासानी है, उस मोहब्बत का कोई नेमुल बदल नहीं है, कोई जवाब नहीं है। तो जो बच्चे अपने माँ बाप जो अपनी औलाद से करते हैं वो सबसे बेस्ट है। ऐसा कौन सा काम है जिससे मुझे सख्त चिड़ है, जिससे मुझे मौत पड़ती है वो काम करते हुए, जिसे मैं बिल्कुल नहीं करती? दो लिख सकती हूँ प्लीज? दो, मैं दो लिख, मैं दो लिख, दो लिखो, मैं लिख लिया, ठीक है हो गया। 3, 2, 1 डिश वॉशिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, क्रॉस मामा नहीं बिल्कुल क्रॉस, फिर क्या बर्तन भी मैं आराम से धो लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ मैं, इस तरह करते ना मुझे मौत पड़ती है। अच्छा yes. जब मलाइका बड़ी हुई ना तो मैंने जब इसका आयरन स्टैंड तक इसकी हाइट पहुंची, सबसे पहले मैंने इसे इस्त्री सिखाया, मुझे इस्त्री इतना वर्स्ट काम लगता है। लेकिन फिर भी जो अपने कपड़े हैं ना वो मजबूरी के मारे, क्योंकि थोड़े से महंगे होते हैं या इतनी मैं पोजेसिव हूँ इन चीजों के मामले में, वो मैं खुद करती हूँ। आप यकीन करें इस्त्री करते ना लिटरली मुझे ना पीड़ पड़ जाती है। ये बर्तन तो यार मैं इतने एक मिनट में धो लेती हूँ, और कपड़े तो मैं इतने धोती हूँ यार, क्या हो गया? अच्छा मुझे लगा ऐसे कपड़े हैं। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर में सबसे ज्यादा डांट किसको पड़ती है? बहुत ऑब्वियस है यार, क्या है? 3, 2, 1 अरुषा मुझे। यस बिल्कुल यस, दोनों अरुषा को सबसे ज्यादा घर में डांट पड़ती है। अरुषा को ना सबसे ज्यादा डांट इसलिए पड़ती है कि ये केयरलेस बहुत है, हर मामले में बहुत केयरलेस है, एक फरमाइशें बहुत करती है, ये अरुषा की दो वजह है जिसकी वजह से सारा दिन डांट पड़ती है। अच्छा जी ये था हमारा आज का चैलेंज, और रिजल्ट मैं बता देती हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा कौन जानता है, ये मलाइका जो है मुझे सबसे ज्यादा जानती है, क्योंकि इसे काफी ज्यादा साल हो गए हैं मेरे साथ रहते हुए। रुषा में मलाइका में 4 साल का फर्क है, इसलिए रुषा भी 4 साल छोटी है ना, 4 साल बाद रुषा भी मुझे इतना ही जान जाएगी। अच्छा जी आज का आपका हमारा चैलेंज कैसा लगा हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आपको और भी इसी तरह मलाइका रुषा के साथ कोई चैलेंजेस देखने हैं तो हमें जरूर बताया करें ना, बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलती हूं मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। समझा भी अल्लाह हाफिज़।